फिर से की वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटिफुल ट्रेन सर। आज के इस वीडियो में फ्रंट एंड बैक साइडों के नेक डिज़ाइंस के आइडियाज देखने को मिल जाएंगे और आपको ब्रोकेड फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक, इन सभी टाइप्स के फैब्रिक पे ब्लाउज डिज़ाइंस के आइडियाज देखने को मिल जाएंगे। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना, ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आपको इनमें से जो भी डिज़ाइन पसंद आए आप उस इमेज पर स्क्रीनशॉट लेना और अपने टेलर को दिखाकर आप इस तरह से अपने ब्लाउज को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में स्टिच करवा सकती हैं। आप हाई नेक ब्लाउज को बनवा सकती हैं और बैक में आप सिंपली क्यूट कट को ट्राई कर सकती हैं और आप कॉलर नेक ब्लाउज बनवा सकती हैं इस तरह से और बैक में आप राउंड कट को दे सकती हैं इस तरह का और आप सिंपल कॉमन ब्लाउज बनवा सकती हैं फ्रंट साइड और बैक में आप नेट का फैब्रिक यूज़ कर सकती हैं फुल कवर रखने के लिए और आप इस तरह का बोटिंग ब्लाउज बनवा सकती हैं और बैक में आप कुर्ती बटन्स का यूज़ करवा सकती हैं और आप नेट फैब्रिक को यूज़ करके बोट डिज़ाइन को बनवा सकती हैं और बैक में आप क्यूल कट को ट्राई कर सकती हैं और आप इस तरह से पर्फ स्लीव डिज़ाइन को ट्राई कर सकती हैं और बैक में आप डीप कट के साथ डोरी डिज़ाइंस को बनवा सकती हैं और आप नेकलाइन के पास एम्ब्रॉयडरी वर्क को करवा सकती हैं और बैक में आप कटआउट्स के आउटलाइन को करवा सकती हैं और आप इस तरह से कोल्ड सोल्जर या ऑर्क सोल्जर ब्लाउज बनवा सकती हैं और आप बैक में चेन का यूज़ कर सकती हैं उनमें और आप इस तरह से वी कट के साथ आउटलाइन कर सकती हैं लेस के यूज़ से और बैक में भी एंड स्लीव के भी यूज़ कर सकती हैं और आप सिल्क ब्लाउज में इस तरह का कटआउट डिज़ाइंस को दे सकती हैं और बैक में आप इस तरह के डिज़ाइंस को ट्राई कर सकती हैं। आप डिफरेंट स्लीव डिज़ाइंस को बनवा सकते हैं अपने ब्लाउज को डिज़ाइनर लुक देने के लिए। सो फ्रेंड्स, आपको जो भी डिज़ाइंस पसंद आया हो इनमें से आप इस डिज़ाइंस को ज़रूर से ट्राई करना, ये सभी बहुत ही अमेजिंग लुकिंग है जैसा कि आप लोग इमेजेस पर देख रहे हो। और वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना और मोर वीडियोस के लिए शेयर को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।